फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि मैं डॉक्टर सुशीला सैनी हमेशा आपको यही बताती रहती हूँ मैं गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। अब फिर वही दिमाग में एक बात आती है कि आखिर लैप्रोस्कोपिक सर्जन होता कौन है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी और इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन क्या करता है। सो लैप्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है कि पेट के अंदर दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी। और ये लैप्रोस्कोपिक क्यों है, क्योंकि लेपेरा एक ग्रीक वर्ड है, LAPARO, जिसका मतलब होता है कि पेट यानी कि एब्डोमेन। इसीलिए लेपेरा यानी कि पेट के अंदर जो सर्जरी की जाती है, जो कि दूरबीन से यानी कि स्कोप से सर्जरी की जा रही है, उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोला जाता है। अब इसी प्रकार से यदि ये सर्जरी यूट्रस के अंदर की जाती है तो यूट्रस को हिस्टरस बोलते हैं, इसलिए उसके अंदर स्कोप डाल रहे हैं तो उसको हिस्टरोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। तो इस ग्रीक वर्ड से ये सर्जरी का शब्द बना है, लैप्रोस्कोपी हिस्टरोस्कोपी। तो इस तरीके से जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसमें पेट पर कोई चीरा नहीं लगा रहे और छोटे छेद बनाकर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके कारण पेट पर कोई निशान नहीं पड़ता और हॉस्पिटल में जल्दी छुट्टी हो जाती है और ज्यादा दर्द भी नहीं होता है।